सब्सक्राइब कीजिए देसी इंडिया को और दबाइए बेल आइकन को मेरा वीडियो पहले देखने के लिए। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबाइए। नमस्कार दोस्तों, देसी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा तीन ऐसे फार्मूलों के बारे में जो कि आपके दर्द बुखार के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैंने आपको कल वो बता दिया था कि मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन डाल नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो आपकी बुखार के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मैं तीन फार्मूले इसमें लेकर आया हूँ जिससे आपका जो बुखार हल्का फुल्का अगर ज़्यादा भी होगा ना तो वो चुटकियों में टूट जाएगा। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए तो मैं आपको बताऊँगा इसको किस तरीके से खाना है, कैसे खाना और कब कब खाना है। और हाँ, अगर आपको मैं ये जैसे वैसे तो मैं ये सारी अच्छी कंपनियों की दवाई बता रहा हूँ आपको, अगर आपको इन कंपनियों की दवाई ना मिले तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इनका क्या क्या फार्मूला है और आपको इनको किस तरीके से लेना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लाल पट्टी वाली दवाइयाँ होती हैं उनको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। तो इनमें जो तीनों तीनों टेबलेट हैं इनमें बिना डॉक्टर की सलाह के आप ना लें। तो मैं आपको पूरा जानकारी दे दूंगा कि इसको आप कैसे खाएँ, कब खाएँ, कितनी मात्रा में खाएँ, बच्चे खाएँ कि ना खाएँ, बूढ़े खाएँ और बड़े लोग कैसे खाएं, तो मैं सब बता दूंगा। लेकिन आपके कोई आसपास कोई डॉक्टर हो तो उनसे भी आप सलाह ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए और उनको ये तीनों टैबलेट दिखाइए, क्या मैं बुखार के लिए इनको खा सकता हूँ। अगर आपको वायरल फीवर रहता है या हल्का फुल्का बुखार रहता है तो उसके लिए ये टैबलेटें बहुत अच्छी हैं और सारी अच्छी कंपनी की हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा ये क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ निम्प्रेक्स पी, जो कि निमोसलाइड और पैरासीटामोल है। मतलब लगभग 15 रुपये की आपको, सॉरी 32 रुपये की आपको 15 टैबलेट के आसपास मिल जाएंगे। मतलब 2 रुपये के आसपास एक टैबलेट है बुखार के लिए, निमोसलाइड पैरासीटामोल। ये तो एक हो गया। और दूसरा होता है बेटनिसोल, जो कि गलेक्सो कंपनी का है, बहुत अच्छी कंपनी का है। इसमें आपको फॉर्मूला मिलेगा बेथामेथासोन, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और तीसरा होता है जिफी 200 करके होता है, इसमें फॉर्मूला होता है सिफेक्जिम। तो ये जो सिफेक्जिम 200 है ये आपकी एंटीबायोटिक टेबलेट है, ये एंटी एलर्जिक है और ये दर्द बुखार की है। तो आप जब इन तीनों को साथ में मिलाकर खाएंगे तो इससे आपको जो बुखार है वो चुटकियों में गायब हो जाएगा और आपको इससे बहुत आराम मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कोई भी टेबलेट खाएं तो उसको आप ठंडे पानी से बिल्कुल मत लीजिए, या तो सादा पानी से या गुनगुने पानी से लीजिए। और हाँ, ये जो जिफी टेबलेट है ये भी FDC कंपनी का, ये अच्छा है और ये लगभग 97 रुपये के आसपास आपको आप मार्केट में मिलेगा। मतलब एक टैबलेट आपको 10 रुपये के आसपास मिलेगी। मतलब आप इसको खाना खाने के बाद सुबह शाम खा सकते हैं। इसको 10 साल से नीचे वाले ना लें, 10 साल से 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो आधी इसमें से, आधी बेटनिसोल आधी निम्प्रेक्स पी, मतलब आधी जिफी बेटनिसोल और निम्प्रेक्स पी लें, इससे उनका जो बुखार है वो गायब हो जाएगा। सुबह शाम देना है, वो भी खाना खाने के बाद। और अगर बड़े हैं 18 साल से ऊपर हैं जो लोग, उन लोगों को एक 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 सुबह शाम लेना है, इससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बुखार में, बदन दर्द में, हल्का फुल्का वायरल फीवर भी होगा तो उसमें भी मैं आपको बहुत आराम मिलेगा। तो ये हो गया पार्ट 1, जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पार्ट 1 का है। इसका ही मैं पार्ट 2 लेकर जो आऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको अगर मान लो मलेरिया वायरल फीवर के साथ साथ अगर मलेरिया का भी बुखार है तो मैं आपको बताऊँगा उसमें आपको क्या क्या लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कैसे लेना है और किससे लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मैं बता दूं कि ये जो टैबलेट हैं ये आपको ना मिले तो आप इनको, मतलब ये जो फार्मूले दिख रहा है ना सिफेक्जिम टैबलेट 200 mg, ये आप उस इस फार्मूले से ले सकते हैं। जैसे ये बेटनिसोल है, बेथामेथासोन है इसमें, ये भी आप दूसरे फार्मूले से, मतलब दूसरी कंपनी का ले सकते हैं। और निम्प्रेक्स भी, निमोसलाइड पैरासीटामोल, अगर आपको ये मेडिकल पर ना मिले तो आप निमोसलाइड पैरासीटामोल मिक्स टैबलेट ले लीजिए, उससे आपके बुखार में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसको 10 साल से नीचे बिल्कुल मत दीजिए। अगर आप दीजिए तो पहले डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं उसको किस तरीके से देना, ये भी बता दूंगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। मतलब आपको जो चीज़ समझ में ना आए मैं आपको उसके बारे में बिल्कुल बताऊँगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मैं आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे दूंगा कि ये टैबलेट है, उसके साथ फॉर्मूले भी दे दूंगा, ठीक है। और हाँ, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं रेगुलर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और कुल मिला के मैं आपको भले ही डॉक्टर ना बना पाऊँ लेकिन मैं आपको अपने घर का डॉक्टर तो बना ही दूंगा, जिससे आप नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं बड़े लोगों को, उससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब आसानी होगी जाने में कि मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कंपाउंडर तो बना ही दूंगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, देसी इंडिया हमेशा आपके साथ रहेगा।
आपको हल्की फुल्की बीमारियां रहेंगी या आप कोई भी टेंशन होगी, आप देसी इंडिया वालों को बताइए, मैं आप उसका आपको रिप्लाई भी दूंगा, और अगर हो सके तो मैं आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो सच में पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों, किसी को भी बताइए कि देसी इंडिया ऐसा चैनल है, इससे आपको फ़ायदा होगा, ये दवाइयों के बारे में बहुत अच्छे से बताता है आपको, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। Шум дерутся.